नमस्कार साथियों, वेलकम बैक अगेन। वेरी यूज़फुल वीडियो फॉर यू। तो आज का वीडियो जो है ये इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड है। तो आज मैं आपको सिंस एंड फॉर इसका यूज़ कहाँ होता है उसके बारे में बताऊंगा। तो वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको क्लियरली पूरी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो फर्स्टली हम बात करेंगे, मैंने ऑलरेडी वीडियोस डाले हैं उसमें आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, सेंटेंस टेंस के बारे में। सो एक होता है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, तो उसमें आपके सिंस और फॉर का यूज़ होता है। तो उसमें वर्ब्स की जो फर्स्ट फॉर्म आती है उसके आईएनजी लगता है, और उसके साथ उसके जो रेलेवेंट हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो यूज़ होते हैं। या तो उनके साथ आएगा शैल विल, अगर फ्यूचर होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के साथ, प्रेजेंट के साथ आएगा हैज़ हैव बीन साथ में आएगा, और पास्ट के साथ आएगा हैड बीन, और इनके साथ आती है फर्स्ट फॉर्म आईएनजी इनके साथ भी, और आता है सिंस फॉर। और इसके बारे में हम बात करेंगे कहाँ यूज़ होता है। जैसे मैं एक सेंटेंस बनाऊँ, सुबह से बारिश हो रही है, इसका आएगा इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। सो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस सेंटेंस का टेंस का सेंटेंस है। हैज़ बीन आ गया, फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी आ गया, और इसके साथ सिंस आ गया। और एक मैं दूसरा करता हूँ जिसमें फॉर का यूज़ करके बताऊँगा, शी हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, सो ये कुछ डेफिनेट टाइम नहीं है। तो सिंस और फॉर का यूज़ कहाँ होता है अभी हम यहाँ डिटेल में आपको बताएंगे। तो सो ये इमेज आपकी हेल्प करेगा, यू कैन सी हियर फॉर एंड सिंस का यूज़ कहाँ हो रहा है। पीरियड ऑफ टाइम के लिए दोनों का होता है, कोई टाइम पीरियड दिया हुआ, और सिंस स्टार्टिंग पॉइंट में, एट ए टाइम और डेट, यहाँ आता है नंबर और वर्ड्स। यहाँ आपको टाइम नंबर एंड वर्ड्स में मिले, जैसे 5 मिनट्स, 2 वीक्स, 6 डेज, 7 मंथ, 10 ईयर, 2 सेंचुरी, हाफ आवर, ए वाइल, लॉन्ग टाइम, एवर, ये अगर दिया हो तो उसमें फार आएगा। सिंस में आएगा 6 o'clock, 2nd June, 3rd March, जो पर्टिकुलर डेट्स दी हुई हैं उसके साथ आता है आपका सिंस। जो कुछ फ्रैक्शंस ऑफ टाइम दिया हुआ हो उसमें आपके क्या आ जाता है, फॉर। पीरियड टाइम का पीरियड हो चाहे नंबर हो किसी वर्ड के साथ, जैसे इट हैज़ वी हैव बीन टॉकिंग फॉर 30 मिनट्स, हम 30 मिनट से बात कर रहे हैं। इट्स रेन फॉर ए वीक, एक हफ्ते से बारिश चली हो रही है। आई हैड ट्रेंड फॉर 2 मंथ्स, मुझे 2 मंथ से ट्रेनिंग मिल रही थी। सो सिंस का, वी हैव बीन वेटिंग हेयर सिंस 2 o'clock, 2 बजे से हम वेट कर रहे थे, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर टाइम है, तो इसके साथ क्या आ जाता है आपका सिंस। तो मुझे उम्मीद आपको ये क्लियर हो गया होगा। सेकेंड फोटोग्राफ आपको दिखा देता हूँ फॉर आप मोर अंडरस्टैंडिंग। सो यहाँ देख सकते हो, इट हैज़ आई हैव बीन लिविंग इन स्पेन फॉर 6 ईयर, आई हैव बीन लिविंग इन स्पेन सिंस 2012, मैं 2012 से रह रहा हूँ,
मैं 6 साल से स्पेन में रह रहा हूँ, यहाँ ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, यहाँ स्टार्टिंग टाइम है। जो स्टार्टिंग पर्टिकुलर टाइम होगा उसके साथ सेंस आएगा, कुछ ड्यूरेशन होगी तो उसके साथ फॉर आएगा। मुझे उम्मीद है आपको सेंस और फॉर का यूज़ अब करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। और वीडियो कैसा लगा काइंडली कमेंट करिएगा, और अगर ऐसे और यूज़फुल वीडियो चाहते हो आप विद रिगार्डिंग योर ग्रामेटिक इम्प्रूवमेंट, यू कैन कमेंट। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू।